हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलमेट कैम राइडर। तो गाइस, अभी सुबह हम लोग निकल चुके हैं। आज थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो वो भी था, इसीलिए हमने कहा आज मज़े से, थोड़ा सैटरडे का दिन है तो एंजॉय करते हैं आप लोगों के साथ में, कुछ व्लॉग शुरू करते हैं और व्लॉग के साथ साथ में कुछ मस्ती लेते हुए चलेंगे सड़कों की, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। भाई बड़ा ट्रैफिक है सुबह ही, देखो हॉर्न बजाने लग रहा है। बस वाले का क्या लॉजिक है भाई हॉर्न बजाने का, मुझे ये समझा दो। हम खा में यार, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भाई नौकरी कर रहा है सरकारी, पढ़ा लिखा है, कम से कम इसे तो अकल है कि नॉइस पॉल्यूशन होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में देखो कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, आपके पीछे अगर चल रहा है तो वो चलता रहेगा। जब आपसे एक डेढ़ मिनट आपके पीछे चल लेगा तब आपको एक साइड मारने के लिए हॉर्न देगा। मतलब डिसिप्लिन है, कानून को सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप किसी कानून पे इम्प्लीमेंट यानी कि उसको अप्लाई करते हैं तो आपकी पब्लिक आपके कितना वो करती है। कानून आपके अच्छे के लिए ही बनाया जाता है यार, कोई बुरे के लिए तो बनाया नहीं जाता जो कि आप उससे परेशान हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। अब देखो सारे ये देखो कितने लोगों ने लाल बत्ती जंप करी है, ये देखो कोई अकल ही नहीं देना चाहता या लेना नहीं चाहते। हमें भी क्या, हम भी कहते हैं ठीक है भाई जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, चलिए एनी हाउ नो प्रॉब्लम, चलता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स है या नहीं। ब्रेक लगी जबरदस्त, यार एक्चुअल में सोच रहा था एक हेलमेट लेने के लिए, लेकिन ना मैं जब कभी ऐसी जगह पर जाता हूँ ना तो अपना मेन फोन ना छोड़ कर आया हूँ आज, और छोटा फ़ोन जो होता है ना कीपैड वाला वैसा फ़ोन ले लिया जेब में डालने के लिए। इसको देख के कोई चोरी ही नहीं करता, सोचता है मेरे से ज़्यादा गरीब है या नहीं, तो क्या करें, लेकिन भाई करना पड़ता है ऐसा भी, सब पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे तो खैर आज तक माता रानी की कृपा से मेरा कभी फ़ोन वोन चोरी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसी चीज़ों पर ना ध्यान रखना ज़रूरी है या नहीं। चलो आगे से हमें थोड़ा सर्विस लाइन में चलना है, इसलिए हम टर्न लेकर के सर्विस लाइन के अंदर टर्न ले लेंगे, यू टर्न लेकर के आया नहीं। हाँ ये बेटर रहता है, वरना ऐसे तो रॉन्ग साइड चल के भी है सर्विस लाइन पे जाने का रास्ता, लेकिन यू टर्न लेकर के आराम से रिलैक्स माइंड से चलेंगे भाई, टेंशन फ्री होकर। जल्दी नहीं, जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं है, ये देखो आप मजे से ना सर्विस लाइन में चलेंगे। सर्विस लाइन से ये है बेनिफिट कि आपको गलत नियमों से नहीं जा रहे हो, आप राइट तरीके से जा रहे हो, आप अपनी सड़क पे हो है या नहीं। अगर गलत नियमों से जाओगे तो गलत कहलाओगे, इसीलिए वैसा काम मत करिए। जहाँ टर्न बना है हम वहीं टर्न लेंगे, जहाँ नहीं बना हम उसे रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए। इससे क्या होता है, सामने से आ रही गाड़ी वाले का एकाग्रता भी भंग होती है भाई, उसकी भी रिटेंशन होती है उसको। और भाई जेब्रा क्रॉसिंग का भी ध्यान रखा करो यार, जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े रहे। ओहो ओहो ये क्या हो गया यहाँ पर, ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है भाई, बदमाशी हो रही है, ज़्यादा ही बदमाशी हो रही है। चलिए यहाँ से तो निकले,
आगे और देखते हैं भाई, फटाफट से निकलते हैं। यार आज ना मैं हेलमेट लेने की सोच रहा था, मेरे को लगा यार एक हेलमेट लेना चाहिए। ये हेलमेट ना बहुत पुराना हो गया, 8 से 10 साल पुराना हेलमेट है, कम से कम 10 साल पुराना है या नहीं। तो मैं सोच रहा था यार एक कैसी आवाज़ है ये, जैसे भैंसों ऊपर से ओले गिर रहे हो, नहीं मतलब वो गोले गिर रहे हो, ओले की जगह गोले कहना चाहिए। ये देखो भाई बुम्बू शाह है, बुम्बू शाह एंड तो भाई अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हम, पीतमपुरा बस के बिल्कुल क्लोज से हमने निकाल के लेकर गए हैं भाई, बस वाले में भरोसा करके। उसका भरोसा जरा सा भी टूटता तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती। चलेंगे भाई करोल बाग से होते हुए, है क्यों कि एक हेलमेट लेना है, हेलमेट लेते हैं बढ़िया सा एक यार मज़ेदार। हाँ यार दिमाग में चल रहा है हेलमेट चेंज करने के लिए ना, भाई हेलमेट तुम भी पहन लो अंकल जी, तुम भी पहन लो यार, हेलमेट पहने बगैर ही चलते हो यार। ट्रैफिक वाट लगा रहा है यार, मन ही नहीं हो रहा ट्रैफिक के अंदर कहीं जाने का। देखो हाँ खुशी ट्रैफिक बहुत है, चेंज कर दे प्लान, यहीं चलते हैं मंगोलपुरी, कत्तर मार्केट, कत्तर मार्केट, अरे कत्तर कत्तर मार्केट, कत्तर मार्केट दिखाता हूँ, वो पास में है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, दूर है वो भी, बोलना। अरे उस पर चलते हैं यार, बहुत ट्रैफिक है यार, लिमिट से ज़्यादा ट्रैफिक है किसी, देख तो है ना। क्या कह रही है, कलाट में ऐसी चलना है बेटा? वो तो छोटी मार्केट है, कत्तर मार्केट तो और बड़ी है, जिसमें वो तो कनाट प्लेस सोच रहा था। तू जिसमें बोलेगी, कनाट प्लेस या कत्तर मार्केट? वहाँ हल्का ही कपड़ा है, कनाट प्लेस में अच्छा कपड़ा है, कनाट ही चलते हैं। चलो चल फिर सीपी को ही निकलते हैं, निकालता हूँ फटाफट से, ये ट्रैफिक से भी निकल जाते हैं अभी बस लो। भाई ये ट्रैफिक ने बड़ा तंग कर दिया था, मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ यार, एक्चुअल में ना आदत नहीं है रोज़ इतने ट्रैफिक में चलने की ना, भाई दुकानदार आदमी हूँ कभी कदार बाहर निकलता हूँ। मैंने सोचा आज थोड़ा सा सामान सामून लेना है, सामान सामून लेना था तो सोचा था कनॉट प्लेस चलेंगे, बीच में एक हेलमेट लेते हुए चल देंगे। यार लग नहीं रहा हिसाब किताब ना, पहले लगा कि भाई साहब हेलमेट पहनने के लिए है, लगा रखने के लिए नहीं है हाथ में, लगाएंगे थोड़ी ना इसको भाई, एटीट्यूड में ऐसे देख रहा जैसे भाई मारेगा पकड़ के अभी। हाँ भाई रेड लाइट आ गई, अपना हमेशा से एक ही बात रहती है भाई, रेड लाइट का सम्मान करें, लाल बत्ती पे जरूर रुके, क्रॉस करने की ना सोचे ना जाए ना वैसा कुछ बनाए, ठीक है ना। लाल बत्ती का सम्मान, लाल बत्ती आपके लिए है, हमारे लिए है,
अगर आप और हम इसका पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यदि नहीं करेंगे तो दहेज नहीं दिया जाए। इसका सम्मान जरूर करें, किसी भी सूरत में ना छोड़ें, ठीक है ना। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही रहती है कि इसका सम्मान ही करें बस, और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए आपके पास। ये भाई ये क्या था भाई, तो कति गुस्से में चलाने लग रहा है, कति गुस्से में चलाने लग रहा है। तो भाई अब हम लोग यहाँ पीतमपुरा के अंदर से निकल रहे हैं और अभी हम बाहर आ जाएंगे और सीधा निकलेंगे, NSP तक पहुँचेंगे इससे, इस रूट से। और कनॉट प्लेस तक हमने ट्रैवल करना है, लेकिन ब्लॉक का अंत शायद बीच में ही हो जाएगा क्योंकि बैटरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, जो भी होगा, बैटरी नहीं भी होगी तो और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि 29 मिनट्स होते ही अपने ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। ये भी एक पंगा है भाई, ये भी एक पंगा है। तो आपको कल भी हम एक राइड पे लेकर जाएंगे, माता रानी ने चाह अगर ठीक रहे, फुर्सत रही तो। यार बहुत पेट्रोल लगता है यार, इतना महंगा हो रखा है, ऊपर से 2 रुपये लीटर पहुँचा हुआ है। 97 है दिल्ली में, तो खैर 97 पॉइंट समथिंग, लेकिन फिर भी यार बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा यार। भाई देखो KTM शेटीएम तो लेने की अपनी है नहीं, लेकिन हाँ भाई ये क्या सीन है भाई, ये रॉन्ग साइड वालों ने सच में बड़ा तंग कर रखा है। रेड लाइट, यस ऑलवेज टेक केयर ऑफ रेड लाइट। भाई जिसको भी व्लॉग में कमेंट करता है, भाई देख लो यहाँ पर वो है ही नहीं, ये जेब्रा क्रॉसिंग, तभी हम यहाँ रुक गए हैं, फिर भी गाड़ी के पीछे हैं। और जेब्रा क्रॉसिंग होती तो हम उसके पीछे ही रुकते। भाई थैंक यू, आपने एक बार हमें याद कराया, हम हमेशा याद रखते उस चीज़ का। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो मैं बता दूं, एक बार हमारे क्या हुआ, ब्लॉग के अंदर हम कमेंट्री जैसे करते वैसे ही करते रेड लाइट को लेकर बोल रहे थे, तो एक भाई ने कमेंट किया, खुद जेब्रा क्रॉसिंग से आगे जाके खड़े हो रहे हो और रेड लाल बत्ती में रुकने की बातें कर रहे हो। तो भाई फिर हमने वीडियो को गौर से देखा तो कहा यार हाँ यार हमारी तो गलती है ये। एक्चुअल में नॉर्थ दिल्ली में ज़्यादा इस चीज़ को देखा नहीं होता, क्योंकि अक्सर उस जगह आपको जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी ही नहीं, सच्चाई तो ये है, तो आदत ही नहीं है। अच्छा मेन CPP की तरफ जाते हैं तब याद भी रहता है और तब जेब्रा क्रॉसिंग होती भी है और वो पट्टी से पीछे रहते हैं, लेकिन वो ब्लॉक था रोहिणी दिल्ली का, मतलब नॉर्थ दिल्ली रोहिणी का, तो भाई वहाँ ऐसा कुछ सिचुएशन बनी नहीं पा रही थी। तो अच्छा एक आधी जगह कहीं जेब्रा क्रॉसिंग है भी तो वो हम लोगों ने क्रॉस कर गए, हमें पता याद ही नहीं रहा। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा हमने हर बार अपने व्लॉग में एक बार डाल देते हैं जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर के, कि भाई ठीक है अपना ये माइक और चार्जर इकट्ठा लगाने के लिए, नीचे से चार्जर लग जाएगा ऊपर से माइक।
एनएसपी आ चुका है और हम ऊपर को निकल रहे हैं, और ऊपर को जाते हुए हम थकावट से अपना मोटर ब्लॉक करते हुए पहुंचने वाले हैं और पंजाबी बाग से निकलते हुए पहुंचेंगे भाई, जिसमें कि जैसा भी होगा आप लोगों के सामने होगा, जो भी होगा रोड पे भाई। मॉल है पैसिफिक मॉल, पूरा का पूरा मॉल बना दिया इन्होंने मेट्रो स्टेशन को आधा देकर। बढ़िया है, सही चल रहे यार। ये हाइब्रिड एस बहुत दिख रही है यार अपने को यार, क्या है यार ये अर्बन क्रूजर, क्या बात है यार। हाइब्रिड एस तो बहुत इंजन दिख रहा है, ये क्या है नया कुछ आया क्या भाई, किसी को पता हो तो यार कमेंट करके बताना हाइब्रिड एस इंजन क्या है ये, है या नहीं अभी अपने को पता नहीं है भाई। और वैसे भी अब दिमाग में आ गया है तो अब रात तक जाके एक बार इंटरनेट पे तो सर्च कर ही लेंगे आज। ट्रैफिक तो है यार, अच्छा खासा ट्रैफिक है, लगा कि शायद ट्रैफिक कम रहा होगा इसलिए थोड़ा सा सीपी की तरफ चल लेते हैं। यार संडे को तो बहुत वहाँ ऐसी जगहों पर ना जगह रखने की समय नहीं होती, ना दुकानदारों के पास वो होती है ना हमारे पास ग्राहकों के लिए होती है, इसीलिए जो है ना मैंने सोचा कि आज सैटरडे को निकलते हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है भाई ऐसे ही रहेगा। वहाँ देखो क्या माहौल मिलता है, क्योंकि पालिका वालिका में चलेंगे, बच्चों के लिए भी कुछ लेना है, अपने लिए भी कुछ लेंगे। बनेगा चलेगा, आज थोड़ा सा निकलते हैं आज, तो नहीं होती वहाँ पर ना रेंज वैरायटी अच्छी मिल जाती है, आदमी जो है रेंज वैरायटी को देख करके थोड़ा सा हैप्पी सा हो जाता है, तो इसलिए जो है मैं प्रेफर करता हूँ कि रेंज वैरायटी को देखते हुए ना ऐसी जगह चले जाए ज़्यादा बेटर रहा है। अरे गाइस लगभग हम ब्रिटानिया चौक पहुंच गए हैं, और अभी आप लोगों से बातें करते करते थोड़ा सा ही समय बीता है, पता ही नहीं चल रहा कितना समय बीत जाता है और कैसे बीत जाता है। चलिए गाइस अब आ गया है पंजाबी बाग, और आप लोगों से विदाई लेने का भी समय आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई विदाई लेनी पड़ती है, आप लोग तो दोगे ही नहीं हमें पता है। अच्छा यार कमेंट वामेंट नहीं आते यार, थोड़ा कमेंट वामेंट भी ज़रूर कर दिया करो यार, वीडियो पे नए हो चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, शेयर करना यार अपने दोस्तों से, देखो भाई मुद्दा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना काम कर रहा है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते यार हमारे लिए, कुछ नहीं करते, जो करते हैं भाई वो अच्छे लगते हैं, एक्चुअल में पता चलता है हमारी ऑडियंस है कैसी। कमेंट करने से थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में ज्ञान प्राप्ति होती है कि लेडी देख रही हैं, जेंट्स देख रहे हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो इन सब से थोड़ा सा हमें पता चलता है कि यार हमारे बंदे जो देख रहे हैं हमें वो कैसे हैं, कौन हैं, थोड़ा नाम का अंदाज़ा होता है, थोड़ा ये होता है, दो चार बार कमेंट मारने वाला याद रह जाता है हमेशा के लिए। चलिए गाइस फिर भी आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, प्यार है, बनाए रखिएगा इसी तरीके से। आशा करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।